खबर बड़वानी से। रामकृष्ण संघ होली। बड़वानी के प्राचीन रामकृष्ण मंदिर में फाग उत्सव मनाया गया। सैकड़ों की संख्या में पधारे श्रद्धालु। 200 किलो से अधिक गुलाब की पंखुड़ियों से राधा कृष्ण के संग खेली गई होली। बड़वानी जिले के प्राचीन श्री रामकृष्ण मंदिर में बुधवार की रात जमकर फूलों से होली खेली गई। फूलों की बारिश कर राधा कृष्ण के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने फाग उत्सव मनाया। फूलों की महक से मंदिर परिसर में चारों ओर फाग उत्सव का सब रंग नजर आया। इस मौके पर 200 किलो से अधिक गुलाल की पंखुड़िया से होली खेली गई। पूरा मंदिर परिसर श्री राधा कृष्ण के जयकारों से गुंजयमान उठा। श्रद्धालुओं ने बताया कि कई सालों से श्री राधा कृष्ण जी के आंगन में धूमधाम से फाग उत्सव मनाया जा रहा है। बुधवार की रात 9 बजे राधा कृष्ण का पूजन अर्चन हुआ है। सबसे पहले गुलाल लगाया गया, फिर राधा कृष्ण के साथ गुलाब की पंखुड़ियों से होली खेली गई, फिर उन्हीं पंखुड़ियों से श्रद्धालुओं ने होली खेली। बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने राधा कृष्ण के भजनों पर जमकर थिरके। यह कार्यक्रम रात 1 बजे समाप्त हुआ। हमारे यहाँ अभिनव महामंत्र संकीर्तन मंडल है। परम आराध्य ने उसकी स्थापना की है। उसमें 42 वर्षों से हमारा संकीर्तन होता है और होली उत्सव फूलों की होली मनाई जाती है। उनकी कृपा आशीर्वाद से कार्यक्रम निरंतर 42 वर्षों से चल रहा है। उसमें 42 साल हो गए एकदम के हमारे त्योहार होली भी मन रही है और हर त्योहार महिला पुरुष पूर्ण उत्साह उमंग से मनाते आ रहे हैं। आज होली का पर्व होली पर्व तो हिंदू संस्कृति का धर्म है, पुरातन धर्म से चला आ रहा है और ब्रज में भी पूर्ण उत्साह उमंग से ठाकुर जी होली होती है। इस परंपरा में हमारे यहाँ भी फूलों की होली ठाकुर जी का मनाई जाती है। हाँ, काफी संख्या में भक्त इकट्ठे होते हैं। महिला पुरुष पूरे उत्साह उमंग से सब भाग लेते आए हैं। आज ठाकुर जी का फूलों से सभी ने फूलों से होली खेली है। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।